नमस्ते अभिवादन, आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की बात करेंगे। 16,000 को तोड़ करके खड़ी होने की कोशिश कर रही है। एक लेवल जब कई बार अप्रोच किया जाता है तो वो लेवल हो जाता है कमजोर। क्या बाजार ऊपर जाने की कोशिश करना चाहती है, क्या बाजार ऊपर जाएगी, बात करेंगे इस पर, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, पहले एक न्यूज़ डिस्कस करनी है, बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा जरूरी न्यूज़ है। इन्वेस्टेड ऑल माई फैमिलीज लाइफ टाइम सेविंग्स यूजर्स पैनिक एज वॉल्ट सस्पेंस क्रिप्टो विड्रॉल्स। क्रिप्टो में लगा हुआ पैसा अब आप निकाल भी नहीं सकते हो, ऐसा वॉल्ट ने कहा। और सिर्फ वॉल्ट ने नहीं, बहुत सारे ऐप्स ने विड्रॉल पे रोक लगा दी है। आपका अपना कमाया हुआ पैसा, आपकी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई आपने बिटकॉइन में लगाई या क्रिप्टो में लगाई और उसके बाद आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते। अफसोस की बात है कि ना आप अपनी मदद कर सकते हो, ना सरकार आपकी मदद कर सकती है। प्लस ये जो कंपनियाँ फ्रॉड कर गई, ये तो आपका मतलब क्या कहें, आपको लूटना ही चाहती थी, तो आप हर तरफ से फंस गए ना। और द सो कॉल्ड पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स, द सो कॉल्ड पढ़े लिखे इंजीनियर्स डॉक्टर्स, ये इसमें फंसे हैं। और बहुत ताज्जुब की बात होती है कि अपने आप को कमाल का इन्फ्लुएंसर बताने वाले लोग भी इस ऐप को प्रमोट किया करते थे। अब क्या ही बताएं दोस्त, ऐप तो बर्बाद कर दिया ना लोगों को। और अगर वो लोग नंगे हो गए हैं, माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, तो उनकी एरोगेंस देखिए, आपके ऊपर उनकी धाक देखिए कि इन ऐप्स से लाखों रुपए लेने के बाद आपको वो प्रमोट करते हैं, ये ऐप लाखों रुपए कमाते हैं, और उसके बाद भी जब ये ऐप बर्बाद हो जाता है, आपका पैसा बर्बाद हो जाता है, आकर के माफ़ी नहीं मांगते, आपसे बोलते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी कर दो हमारी वीडियो, क्यों, जिससे और लोग भी फंसें। और अफसोस, 95% लोगों को बहुत आसानी से, इस देश में फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम है कि इस देश में 95% लोगों को फाइनेंस में बहुत आसानी से आप बेवकूफ़ बना सकते हो। और वही हो रहा है, वही हुआ है। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं यार, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, लेकिन आप जाकर के रिसर्च करोगे, होश उड़ जाएंगे आप। हर किसी ने इस ऐप को प्रमोट किया था और वो कितने ब्लेटेंटली, मतलब आकर के बोलते हैं लाइक करो सब्सक्राइब करो, मुझसे कहा नहीं जाता और आप लोग करते भी नहीं हो। मज़ेदार, मज़े लूटो, कोई बात नहीं। आपसे अगर मैं कह दूं अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे ऐसा फील होता है यार कि मुझे क्यों कहना पड़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं तो आप खुद करोगे, ठीक है। लेकिन आप में से भी बहुत सारे लोग देखते होंगे, कहते होंगे हटाओ, क्या सब्सक्राइब करें, वीडियो तो देख ही रहना। बस वही फील आता है कि ये जो 5% का सर्कल है इस पर फोकस करें, या वो जो 95% है उस पर फोकस करें। अब वो जो लोगों ने आपको ये ऐप्स प्रमोट किए ना, वो जो प्रमोट करने पे पैसा आया, उसी पैसे को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे और वो और लोगों को भी फंसाएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके पास पढ़ाने की कला है, जुनून है, सिखाने की समझाने की काबिलियत है और आपका फाइनेंस में थोड़ा सा ही सही इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर आओ यार, ईमानदारी से यहाँ पर काम करो। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है फाइनेंशियल लिटरेसी की इंडिया में। अदरवाइज ऐसे फ्रॉड्स होते रहेंगे और ज़िंदगी भर की कमाई छोड़ दो यार, किसी का 1,000 रुपये भी लॉस हो जाता है ना, भले ही वो रेगुलर म्यूचुअल फंड लेने पे जो कमीशन जाती है उसमें गया हो, तो भी मुझे बहुत 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 तकलीफ होती है। तो सोचिए कि किसी की 10 लाख 15 लाख कमाई, 50 लाख कमाई, 1 करोड़ कमाई ऐसे साफ हो जाए, तो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है फाइनेंस में तो छोटे ही लेवल पर सही लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए। क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अगर मुझे देख रहे हैं, अगर मुझे जैसी नाचीज चीज़ को देख रहे हैं, तो मुझे तो ये पता है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आ सकते, आपको वो लोग लॉलीपॉप नहीं खिला सकते। तो अगर आपको ये बात पता है यार, तो छोटा ही सही, गिलहरी प्रयास ही सही, लेकिन कीजिए, 4 लोगों को तो बचा लोगे, बस वही मुझे चाहिए। क्योंकि क्या कहें यार, नेक्सस बहुत ज़्यादा बड़ा है और अफसोस की बात है कि सरकार भी आपकी मदद नहीं करने आ रही है। RBI को मैं एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो भी वार्निंग देना चालू कर दिए थे, अदरवाइज जब बिटकॉइन क्रैश कर रही थी ना, 30% 40% 50% हर जगह लोग पैसे लगाए होते, भले ही वो 75% तक अभी जो क्रैश होकर के बैठी वो और गिरना चाहती हो, लेकिन लोगों को बस कोई एसेट क्लास 15-20% गिर जाए, उनको लगता है कि हाँ बस खरीदने का ही वक्त आ गया है। अच्छा है, भला है कि RBI की इनिशिएटिव के कारण काफ़ी लोग अपने आप को बचा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल वाली वीडियो पे मैंने आपसे 25 कमेंट्स बोले थे, आप लोगों ने यार 75-80 कमेंट्स कर दिए, मैं पढ़ नहीं पाया, अफसोस की बात है, लेकिन आपसे पूरा वादा करता हूँ इस वीकेंड पे एक एक कमेंट पढ़ूंगा। मैं पढ़ना चाहता था लेकिन बहुत लंबी लिस्ट थी यार, वीकेंड तक का समय दीजिएगा, मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों का एक एक कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स आपको बता देते हैं। पहला स्टॉक रहेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। कुछ लोग इधर साइड पे पूछ रहे थे, इधर की मीनिंग सर्च कर लो यार, आपको पता चल जाएगा जो लोग नए हो। बाकी व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो आप देख लोगे, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ट्रेड कब पकड़ना होता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, मज़े ले लो उसके।
जरूरी है। ठीक है, अगला स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक। यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है, लेकिन 660 के ऊपर लेना है, तो हो सकता है आप थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े। इसके अलावा आप अन्य पर फोकस रखिएगा, इसको मेन स्टॉक मत बना करके रखिएगा। मेन स्टॉक रहेगा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। टाटा मोटर्स भी आपका मेन स्टॉक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 420 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के रूप में है, उसके ऊपर ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। अन्य स्टॉक्स हैं वेदांत मेन स्टॉक रहेगा, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद वेदांत, उसके बाद जील, उसके बाद जुबिलियन फूड और ONGC पे आपको फोकस करना है, क्योंकि 120 का लेवल मैंने आपको बताया वहाँ पर अगर बाई साइड का ट्रेड मिल चुका है तो एंजॉय कीजिए। और देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे मिल चुका है, बड़े टाइम फ्रेम पे अभी आपको तकलीफ हो रही होगी, ट्रेड लीजिएगा लेकिन स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं है, स्विंग ट्रेड डेड कैट बाउंस पे हम करने जा रहे हैं। इंट्राडे स्टॉक के रूप में भी आप इसको रडार पे जरूर रखिएगा। निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए और ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके सामने। ठीक है, ये हो गए। अब निफ्टी के लेवल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा लेते हैं। देखिए आज 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल पे ट्रेड नहीं पकड़ा हमने, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लेवल था, ये वाला जो लेवल था, इसने हमको ट्रेड नहीं लेने दिया। उसके बाद मेरा ट्रेड बहुत ध्यान से देखिएगा, कहाँ कहाँ मुझे तकलीफ हुई मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, बाई साइड का ट्रेड यहाँ पर मिला, स्टॉप लॉस कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बाई साइड का ट्रेड यहाँ पर मिला, कम क्वांटिटी थी, याद रखिएगा कम क्वांटिटी थी, और उसके बाद मुझे यहाँ पर टारगेट मिला। मैंने यहाँ पर भी बाई साइड का ट्रेड पकड़ा, थोड़ा सा लेट हो गया, यहाँ भी क्वांटिटी कम थी, याद रखिएगा यहाँ पर मेरी क्वांटिटी बाई साइड की थी और क्वांटिटी ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी क्वांटिटी कम, यहाँ भी क्वांटिटी कम, और यहाँ पर आ रहे हैं टारगेट, यहाँ पर मुझे मिला है स्टॉप लॉस, यानी कि दो टारगेट एक स्टॉप लॉस के बराबर हुए। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है, लेकिन मेरे साथ हो जाती है, आपके भाई साथ होती होगी, सबके साथ ही बात होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला जो हमने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड पकड़ा, इस लेवल को टूटने पर वो स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो गया, और अफसोस यहीं पर हमको लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो बातें हुई वो बराबर हो गई, यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस मिल गया। और उसके बाद जो फाइनल ट्रेड था जिसमें हम इन्जॉयमेंट ले सकते थे, वो मैं पकड़ा नहीं, क्योंकि टाइम 3 बजे के बाद का हो चुका था, मैंने इग्नोर कर दिया। अगर वहाँ पर मैं ट्रेड पकड़ता तो टारगेट मिल जाता, तो आज बाजार नहीं देना चाहती थी, लॉस दे दी, कोई बात। लेकिन आपको लेवल ज़रूर देखना चाहिए, लेवल्स को किस तरीके से बाजार सम्मान देने की कोशिश कर रही थी, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, तोड़ करके ऊपर गई। अब आज लेवल उतनी अच्छी तरीके से मदद नहीं कर पाए जितनी हमारी उम्मीद होती है, तो ऐसे दिन भी लेवल्स को हम मतलब इतना रूम तो देना ही चाहिए। खैर जाने दीजिए, मैं इस पे आगे भी बात करता रहूँ। FII DII का डेटा एक बार देख लेते हैं। आज देखिए FII ने कल खरीदारी की थी और आज बिकवाली 330 करोड़ की, DII की तरफ से आज 1500 करोड़ की खरीदारी लौटी, और इसी कारण हम नीचे से बढ़िया खरीदारी देख पाए। अब 16,000 के लेवल पे थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है, एक ही लेवल बार बार जब अप्रोच किया जाता है तो वो लेवल हो जाता है कमज़ोर। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा कि बाजार जो आपको पहला रेजिस्टेंस बताया गया है ना 16,050 के थोड़ा सा ऊपर है, उस पर फोकस रखिएगा। उसके ऊपर जब बाजार टिके तभी आपको फ्रेश ट्रेड लेना है, उससे पहले नहीं लेना है। इन केस बाजार आपको धोखा देना चाहती है, कहीं से भी दे सकती है, तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस के रूप में हमेशा तैयार रहोगे। अपने ट्रेड्स को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के आप मतलब इंजॉय नहीं कर सकते हो ट्रेड करना। ठीक है, निफ्टी 50 बढ़िया चला, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत बढ़िया चला, मिड कैप तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया चला, स्मॉल कैप स्टॉक्स ने भी आज धूम मचा करके रखी। ट्रेंट डिक्सन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कॉनकॉर बहुत बढ़िया चले आज स्टॉक। निफ्टी बैंक भी बहुत बढ़िया चला आज, कोटक महिंद्रा बैंक देखिए 2.5% ऊपर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 5% ऊपर, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक सब ऊपर थे, और फाइनेंशियल सर्विसेज में HDFC लाइफ 1% नीचे था, मुठूत फाइनेंस, PFC 1% नीचे था, निफ्टी बैंक में एक भी लूजर नहीं था, ये अच्छी बात थी। ओवरऑल दिन ठीक था, आज मार्केट रिपोर्ट वाली वीडियो नहीं आई, उसके लिए माफी चाहता। अब एक बार देख लेते हैं बाजार खुलने के आसार क्या बना रही है। वाव 52 पॉइंट ऊपर, ठीक है लगभग पौने, वाव ठीक है बहुत बढ़िया, 0.33% ऊपर बाजार खुलना चाह रही है 16,000 के ऊपर। हमारे लिए इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, हम 16,000 के ऊपर खुल रहे हैं। कल मैंने आपसे कहा था 11,000 पे नैसडेक खड़ा है और वहाँ पर इसको मिलेगा सपोर्ट, तो अपनी बाजार भी बढ़िया कर सकती है। और देखिए बाजार उस वक्त 80 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही थी और कितना बढ़िया एनालिसिस था, साइकोलॉजिकल लेवल्स ऐसे ही काम करते हैं। आज भी देखिए साइकोलॉजिकल लेवल कितना बढ़िया काम किया। आपको अगर अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना है, बहुत बढ़िया हिंट दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, साइकोलॉजिकल लेवल्स पे मेहनत करो और आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपसे भी अगर हेल्प लेनी होगी मैं आपसे अनाउंस भी करूँ। बाकी अभी वक्त आ गया आपसे विदा लेने का, विदा लेने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और जो मैंने बीच में बात बोली ना, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं सब्सक्राइब भी करना आपकी जिम्मेदारी है, वो जब तक फील ना आए सब्सक्राइब को लाल ही रहने देना, करना मत। जब आपको लगे कि हाँ सच में आपकी हेल्प हो रही है, हेल्प हो सकती है, तभी सब्सक्राइब बटन दबाना, और अब मुझे लगता है ये रोज़ बोलना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कोई सवाल सुझाव हो तो आप ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में जा सकते हो, NiftyIndia.in विजिट करके यहाँ पर आप जा सकते हो।
ठीक है, नाम ईमेल आईडी मैसेज छोड़िएगा, आपको रिस्पांस 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। आपका आभार, नमस्कार।